पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तो हमने बहुत सारी बातें की थी कि खुद के बारे में बात कैसे करनी है पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जब आप खुद के बारे में बात करना चाहें तो क्या बातें करनी चाहिए तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो बातें करनी कैसे है तो आज का टॉपिक है कि हम ये जो चार शब्द हैं दिस दैट दीज और दोस्त जो बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं सुनने में इनका चारों का यूज़ क्या है और ये क्यों एक दूसरे से अलग है तो कब कौन सा वाला यूज़ करेंगे ये चार शब्द मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर सेंटेंस में आपको ये चार वर्ड्स तो दिख ही जाते हैं इन चार में से एक वर्ड तो आ ही जाता है सेंटेंसेस में इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये है क्या और यही चार क्यों इन चारों का एक कलेक्टिव नाम है उसे हम कहते हैं डिटमाइनर्स या फिर डेमोन्स्ट्रेटर्स दोनों शब्दों का मतलब ये है कि इन चार शब्दों का काम है दिखाना किसी और को दिखाना कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ ये काम है इन चार शब्दों का इनको दो तरीके से यूज़ किया जाता है या तो हम इन्हें प्रोनाउंस की तरह यूज़ कर सकते हैं यानी कि ऐसे शब्द जो कि नामों की जगह ले सके जैसे अगर मेरा नाम निधि है और मैं एक ही सेंटेंस में दोबारा रिपीट करना चाहती हूं अपना नाम निधि इज़ ब्यूटिफुल निधि लिव्स इन इंडिया तो मैं बार बार निधि नहीं कहना चाहती इसलिए मैं कहूँगी निधि इज़ ब्यूटिफुल शी लिव्स इन इंडिया तो ये जो शी आया जिसने निधि को रिप्लेस कर दिया तो वो शी जो है वो प्रोनाउन है तो ये दिस दैट दिस दोज वो काम भी करते हैं नाउन को रिप्लेस करने का काम भी करते हैं और ये ऑब्जेक्टिव का काम भी करते हैं यानी कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बताना चाहें उसे डिस्क्राइब करना चाहे कोई क्वालिटी बताना चाहे तो वो होते हैं एडजेक्टिवस तो ये दिस दैट दीज दोज वो काम भी करते हैं कैसे करते हैं वो भी बता देती हूँ एडजेक्टिवस में क्या होता है कि जब मैं किसी चीज़ पे पॉइंट करना चाहती हूँ मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस वाली चीज़ की बात कर रही हूँ तब मैं दिस दैट दीज दोज यूज़ कर सकती हूँ जैसे कि मैं कहूँ दिस इज़ अ ग्रेट बुक अगर मेरे पास आसपास कोई बॉटल पड़ी है तो मैं बोलूँगी दिस बॉटल इज़ फिल्ड विथ वाटर कौन सी बॉटल ये वाली बॉटल कौन सी बुक ये वाली बुक तब यूज़ होता है दिस प्रोनाउंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर सपोज मेरे आसपास कोई बुक पड़ी है और बहुत ही अच्छी है यहाँ बुक नहीं चलो फ्लावर ले लो मेरे आसपास कोई फ्लावर है जो बहुत ही अच्छा है बहुत ही सुंदर है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आपको बुला रही हूँ एंड लुक एट दिस तो आप कहेंगे दिस क्या है मैं तो फ्लावर की बात कर रही हूँ तो फ्लावर बोलने के बदले मैंने बोला आके ये चीज़ को देखो आप आएंगे तो आप देख लेंगे कि फ्लावर है तो ये जो दिस था इसने फ्लावर की जगह ले ली इसीलिए वो हो गया प्रोना कैसे यूज़ करना है वो भी बता देती हूँ सबसे पहले दिस से ही शुरू करते हैं जैसे कि मैंने कहा कि जो आप किसी चीज़ पे पॉइंट करना चाहते हैं जब आप बताना चाहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं तब आप यूज़ करते हैं दिस को दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव बहुत महंगी है ये ड्रेस कौन सी ड्रेस ये शोरूम में लगी हुई है ना ये वाली ड्रेस दिस कप इज़ ब्रोकन कौन सा कप ये जो मेरे आगे पड़ा है ना ये कप ब्रोकन है तो मैंने आसपास वाली चीज़ को पॉइंट किया कुछ ऐसा जो मेरे नज़दीक है उसके बारे में बात करने के लिए मैंने दिस को यूज़ किया सिर्फ ये एक काम नहीं है दिस का और भी बहुत सारे यूज़ हैं अगर आप टाइम के बारे में बात करना चाहते हैं यानी कि अगर आप कहना चाहें कि मैं आज दोपहर आपके घर आऊँगी आई विल कम टू योर हाउस दिस आफ्टरनून तो ये बात होगी शायद सुबह में सुबह से काफ़ी नज़दीक है दोपहर पहली चीज़ जो अब आएगी नज़दीक में वो ये दोपहर आएगी तो मैं कहूँगी आई विल कम टू योर हाउस दिस आफ्टरनून वैसे ही मैं कह सकती हूँ बाय दिस टाइम आई विल हैव हैवीटिन डिनर टमोरो यानी कि कभी कभी होता है ना कि हम इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं और जो इंसान जा रहा है वो कहेगा अभी इंडिया के शाम के पाँच बजे है तो अमेरिका में तो सुबह छः बजे होंगे तो इस टाइम तक तो मैं उठ गया होऊंगा नींद में से जब आप चाय पी रहे होंगे तब तो मैं नींद में से उठा होऊंगा तो वैसे ही कहते हैं कि बाय दिस टाइम ये वाला टाइम जो अभी है आई विल हैवीटन डिनर वैसे ही दिन की बात भी कर सकते हैं दिस मंडे आई विल सी यू कौन सा मंडे ये वाला मंडे अभी सैटरडे है अब मंडे आएगा तो ये वाला जो मंडे आएगा उसमें मैं आपसे मिलूंगा या मिलूँगी तो टाइम की बात तो इस तरीके से करते हैं दिस में और एक तरीका होता है दिस को यूज़ करने का जब आप डिग्री दिखाना चाहें डिग्री का मतलब है कितना कम कितना ज़्यादा कितना बड़ा कितना छोटा तो जैसे कि मैंने कहा द कार वॉज दिस क्लोज टू मी तो उसका मतलब क्या है हो सकता है मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा और मैं कहना चाहती हूँ वो इतना पास थी मेरे इतना पास काफी ज्यादा पास थी तो मैं कहूंगी द कार वॉज दिस क्लोज टू मी आई हेड नेवर थॉट द प्रॉब्लम वुड गेट दिस बिग इतनी बड़ी हो जाएगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था तो इसे कहते हैं द प्रॉब्लम वुड गेट दिस बिग अब दिस को तो आप समझ गए। अब बात आती है दीज की तो ये दीज क्या है सुनने में तो दिस और दीज काफ़ी एक जैसे लगते हैं लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि दिस जो है वो मैं उन चीजों के लिए यूज़ करती हूँ जो एक है सिंगुलर चीज़ें यानी कि नंबर में जब एक होती है तब मैं दिस कहती हूँ और जब एक से ज्यादा चीज की बात करनी है तो मैं कहूँगी दीज बाकी यूज़ तो बिल्कुल सेम है कोई फ़र्क नहीं है बाकी यूज़ में यानी कि अगर आप कहेंगे दी दीज लैपटॉप्स कैन बी यूज तो उसका मतलब एक से ज़्यादा लैपटॉप है इसीलिए मैं दीज कह रही हूँ अगर एक होता तो मैं कहती दिस लैपटॉप कैन बी यूज दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल तो ये काफ़ी सारे फूल हैं इसीलिए मैं दीज कह रही हूँ वैसे ही टाइम के साथ भी आप कर सकते हैं दीज डेज इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू गेट अ जॉब आज कल एक नहीं काफ़ी सारे दिनों से काफ़ी दिक्कत है तब यूज़ होता है दीस अगर दिस और दीज आपको क्लियर है तो दैट समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा क्योंकि दैट और दिस में फर्क सिर्फ ये है कि दिस हम यूज करते हैं उन चीज़ों के लिए जो मेरे से नजदीक है और मैं पॉइंट करना चाहती हूँ दैट यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो मुझसे थोड़ी दूर है और मैं पॉइंट करना चाहती हूँ दैट पर्सन बिहाइंड यू इज़ ब्यूटिफुल आपके पीछे जो खड़े हैं ना हमसे थोड़े दूर हैं पर काफ़ी खूबसूरत इंसान है वो तो दैट जो है वो उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो काफ़ी दूर है हमसे ध्यान दीजिएगा दैट का भी काम पॉइंट करना ही है लेकिन टाइम में शायद दूर हो या फिर स्पेस में दूर हो स्पेस मतलब फिजिकली दूर है मुझसे जैसे कि मैं कहती हूँ हु इज़ दैट मैन वो आदमी कौन है कौन सा आदमी वो आदमी अगर मैं कहती दिस यानी कि हु इज़ दिस मैन तो मेरा मतलब होता है ये आदमी कौन है ये जो मेरे बाजू में बैठे हैं ये कौन है ये नज़दीक है वो दूर है ये के लिए यूज़ करती हूँ दिस और वो के लिए यूज़ करती हूँ दैट दैट एक्सीडेंट हैपेंड अ फ्यू डेज अगो तो हो सकता है मैंने अभी उस कुछ टाइम पहले उस एक्सीडेंट की बात की थी और अब मैं बता रही हूँ कि वो जो है वो कुछ दिन पहले हुआ था तो कुछ चीज़ जो दूर थी टाइम में या फिर स्पेस में उसके लिए मैं दैट यूज़ करती हूँ ऐसी कोई चीज़ दूर का मतलब ये नहीं है कि शायद फिज़िकली ही दूर हो ऐसी कोई चीज़ जो पहले हुई थी शायद हमने पहले उसके बारे में बात की थी या ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में मैं जानती हूँ तो फिर मैं दैट यूज़ करती हूँ जैसे मुझे, मुझे मालूम है कि मेरे कॉलेज में जो ये ग्रुप है ना दोस्तों का ये उसी कैफे पे जाते हैं दे ऑलवेज़ हैंग आउट एट दैट कैफ़े कौन सा कैफे वो वाला जो मैंने उस दिन बताया था ना आपको वो वाला दैट कैफे द लेडी वी मेट दैट डे रियली स्वीट उस दिन जब हम जिसको मिले थे ना वो औरत को काफ़ी अच्छी थी हम कहते हैं ना हिंदी में उस दिन ये हुआ तो उसका इंग्लिश में क्या मतलब है दैट डे तो दैट का यूज उन चीज़ों के लिए भी होता है जिनके बारे में आप जानते हैं या शायद उसका मेंशन आपने पहले कभी किया हो उसके अलावा दैट भी डिग्री के लिए यूज़ करते हैं अब आप जानते हैं कौन सी डिग्री की मैं बात कर रही हूँ दिस मैंने कब यूज़ किया था इतना छोटा इतना बड़ा इतना कम इतना ज्यादा दैट मैं कब यूज़ करूँगी द लेडी इज़ टू ओल्ड वर्क दैट मच इतना ज़्यादा काम करने के लिए ये औरत काफ़ी बूढ़ी है द क्लाइंट्स वर नॉट गिवन दैट मच टाइम इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया था सो so, काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ों के लिए मैं दैट यूज़ करती हूँ ये भी डिग्री ही है यू नॉट दैट फैट इतने मोटे नहीं हो आप तो दैट जो है वो डिग्री के लिए यूज़ होता है दिस का भी होता है यूज़ लेकिन अलग चीज़ों के लिए अब जब बात आ रही है दैट की तो साथ में आएगा दोज भी दोज दैट का प्लूरल फॉर्म है जैसे दिस का प्लूरल फॉर्म दीस था दैट का है दोज वो भी उन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता है जो कि हमसे दूर है शायद फिजिकली या फिर मन से कोई चीज अगर हमसे दूर है और एक से ज्यादा है तो मैं दोज यूज करूंगी जैसे कि शू शू एक नहीं होता है शू का पैर ही होता है सो दो शूज आर जैसे कोई दूर से आपकी तरफ चल के आ रहा है तो आप देखेंगे उनके जूते और आप कहेंगे दो शूज आर रियली रियटी बहुत सुंदर है वो जूते कौन से वाले जूते वो वाले कैन यू यू ब्लो कैंडल्स आप मुझसे तो दूर खड़े हैं लेकिन आपके पास वो कैंडल्स हैं तो आप वो वाली कैंडल्स बुझा देंगे अब आप बोलेंगे उनके पास है तो दिस क्यों नहीं लेकिन मुझसे तो दूर है ना मुझसे दूर है तो मैं कहूँगी दोस मेरे पास होती तो मैं शायद दीज कहती दीज कैंडल्स आर नाइस तो ये मेरे पास वाले कैंडल्स हैं दोज कैंडल्स नीड टू बी ब्लोन अवे तो वो दूर वाली कैंडल्स हैं तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस की बात है अब मैंने आपको मेन यूज़ तो समझा दिया है लेकिन इसके अलावा भी कुछ और यूजेस होते हैं इन डिटामाइनर्स के जैसे कि सबसे अच्छा यूज़ इनका होता है कि जब हम किसी तरीके का डिस्टेंस दिखाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या फिर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है उसके बारे में बात करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं ये सब स्पोकन इंग्लिश में ही ज़्यादा यूज़ होता है जैसे मैं कहती हूँ दोज न्यू फ़्लिप फ़ोन्स आर गॉज तो हो सकता है कि वो फ्लिप फ़ोन मेरे सामने नहीं है शायद वो फिजिकली दूर नहीं है मैंने एड में देखे थे तो मैं कहूँगी दोज़ फ्लिप फोन्स आर रियली गॉज फिर अगर मैं कह रही हूँ दीज न्यू एज चिल्ड्रन आर सो इंटेलिजेंट तो मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रही मैं काफ़ी सारे बच्चों की बात कर रही हूँ और इस पूरे जनरेशन के बच्चों की बात कर रही हूँ कुछ जनरल में कह रही हूँ तो कोई मेरे पास या दूर नहीं है हो सकता है मैं जिस रूम में बात कर रही हूं वहां पे कोई बच्चे भी ना हो लेकिन ये आजकल के बच्चे काफी तेज हैं ये कहने के लिए मैं कहूंगी दीज न्यू एज चिल्ड्रन आर सो इंटेलिजेंट वैसे ही अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारा वो दोस्त पसंद नहीं है तो मैं कहूँगी आई डोंट लाइक दैट फ्रेंड ऑफ योर्स आई डोंट लाइक दैट फ्रेंड ऑफ योर्स तो ये जो दैट है ना ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पॉइंट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये है एक डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए तुम्हारा जो वो वाला दोस्त है ना मेरे से दूर नहीं है वो मेरे पास भी नहीं है मेरी आंखों के सामने नहीं है पर मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो जानती है कौन से दोस्त की मैं बात कर रही हूँ तो वो जो दोस्त है ना तुम्हारा वो मुझे पसंद नहीं है तो मैं कहूँगी आई डोंट लाइक दैट फ्रेंड ऑफ योर्स फिर दिस न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग इज़ टू हार्ड तो ये मेथड ऑफ़ फार्मिंग जो है ये फार्मिंग करने का नया तरीका है ये दिक्कोड़ी ना है कि ये दिख थोड़ी ना रहा है कि मुझे मालूम पड़े कि ये नज़दीक है या दूर ये तो बस एक तरीका है जिसके बारे में मुझे बताया गया है और ये तरीका काफ़ी मुश्किल है तो जब चीज़ें हमारे पास या दूर नहीं होती लेकिन फिर भी हम उनके लिए बात करना चाहते हैं उनको रिफ़र करना चाहते हैं तो हम ये डिटामाइनर्स को यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा हम ये रिटामाइनर्स कब यूज़ कर सकते हैं ये यूज़ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का यूज़ है यानी कि जब मैं बात करती हूँ तब मैं कहती हूँ यू नो दैट बुक स्टोर वी वेंट टू वंस मैंने अभी अभी आपसे कहा कि मैं किसी चीज़ को रेफ़र कर सकती हूँ जो फिज़िकली नज़दीक या दूर ना हो मैं उस बुक स्टोर की बात कर रही हूँ जिसपे हम एक बार गए थे तो हमें पता है हम एक बुक स्टोर गए थे पहले मैं उस बुक स्टोर की बात कर रही हूँ वो बंद हो गया तो तब मैं दैट यूज़ कर सकती हूँ यू नो दैट बुक स्टोर वी वेंट टू वंस वैसे ही अगर मैं दिस यूज़ करना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ दिस मैन केम अप टू मी एंड सेड डू यू नीड हेल्प इसका मतलब क्या है हिंदी में तो एक आदमी आया और उसने कहा कि आपको मदद की ज़रूरत है तो जब मैं कहना चाहती हूँ तो एक आदमी आया या फिर वो आदमी आया या एक आदमी आया तब मैं कह सकती हूँ दिस मैन केम अप टू मी उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी तरफ पॉइंट कर रही हूँ उसका मतलब ये है कि ये एक आदमी था ये आया मैंने जानती नहीं थी और इन्होंने पूछ लिया आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो तभी भी हम दिस और दैट को यूज़ कर सकते हैं ये सब कब यूज़ होता है जब मैं आपसे कोई इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ शायद कोई स्टोरी बता रही हूँ शायद कोई एक्सपीरियंस बता रही हूँ तब मैं दिस और दैट का यूज़ कर सकती हूँ तो आज के लिए तो आपने बहुत सारे यूज़ेस सीख लिए हैं एंड आई होप कि दिस दैट दिस और दोस का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया है और आप इसको अब अपनी सेंटेंसेस में यूज़ करना शुरू कर सकते हैं